हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक हो गया भाई, कि किस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं भाई। ठीक हो गया, तो देखो भाई, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ठीक हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक हो गया, याद रखना, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कभी कभी। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्या भी बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक हो गया भाई, तो यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और उसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक हो गया भाई, तो देखो सबसे पहले ये तो देख लो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एग्जैक्टली होते क्या है। समाया, वो तो बात की बात है कि डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखा कैसे जाता है। किसको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। देखो भाई, इन जनरल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इस तरह से लिखा जाता है। देखो भाई, ये आगे वाला है CMA, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक हो गया भाई, याद रखना, ये होते हैं लिगेंड्स। अब लिगेंड क्या होते हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक हो गया, एन क्या करता है, कितने लिगेंड है, यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड। किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ लिगेंड की बात कर रहा है। ठीक हो गया भाई, ऊपर वाला जो एन है, ये वाला, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये चार्ज को शो कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है। ठीक हो गया भाई, अब देखो एक एक करके बताता हूं कि क्या क्या होता है। ये जो आपको इस तरह का दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पीयर। ठीक हो गया भाई, याद रखना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमेशा कोऑर्डिनेशन स्पीयर के क्या लिखा जाता है, अंदर लिखा जाता है। ठीक हो गया भाई, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं भाई। देखो, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है समाया, वो मोस्टली यहाँ पे डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। क्या होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक हो गया, डी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है भाई, याद रखना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केवल डी ब्लॉक के एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक हो गया, लेकिन थोड़ी देर में मैं इस बात को गलत प्रूव करने वाला हूँ। ठीक हो गया, कैसे गलत प्रूव करने वाला हूँ, एक एक एग्जाम्पल देता हूं जहां पे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। समाया भाई, देखो सबसे पहले आ जाओ एस ब्लॉक एलिमेंट। किसकी बात करूंगा, एस ब्लॉक एलिमेंट की। तो देखो एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल होता है CaEDTA, और इसके ऊपर से जो चार्ज आता है वो क्या आता है, -2। समाया, तो मैंने यहां पर देखा कि किस तरह से ये CA, ये कैल्शियम जो है वो क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव कर रहा है। समाया, तो मैं बिल्कुल ये बात नहीं बोलूंगा कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं देते हैं। समाया, अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ पी ब्लॉक के एलिमेंट का। किसका ले लेता हूँ, पी ब्लॉक के एलिमेंट का। समाया, सारा भ्रम ही खत्म हो जाएगा कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो देखो भाई, देखो AlH4 समाया, और ये क्या आता है, यहाँ पे माइनस आता है। ठीक हो गया भाई, तो याद रखना यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, एज अ सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव कर रहा है। तो याद रखना, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट जो है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है। समाया भाई, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मोस्टली, अब मैं जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करूंगा वो मैं बात कर रहा हूँ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के टर्म में। ठीक हो गया, तो याद रखना यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम CMA की जो बात की जाएगी वो हमेशा किसका होगा, डी ब्लॉक का होगा। समाया भाई, ऐसा नहीं है कि एस और पी ब्लॉक के नहीं बनाता है, लेकिन जो मैं पढ़ूंगा वो क्या पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। ठीक हो गया, जो लिगेंड होता है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड एक स्पीसीज है समाया, जिसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। समाया, और वो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, मेटल के पास, मेटल कौन है, डी ब्लॉक का एलिमेंट, उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। समाया, तो वो इसमें इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। किसके थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। समाया,
इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंपल भाषा में कोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक हो गया भाई। तो मैंने क्या बोला, लिगेंड एक ऐसी स्पीसीज है जिसपे एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो उसे सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या करता है, डोनेट करता है। और याद रखना तब जाकर के फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स, तब जाकर के क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक हो गया। N means number of ligand, numbers of ligand, एक ligand भी हो सकता है, दो ligand भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं। समझ आया भाई? एक example देता हूं, जैसे FeCN का whole six, समझ आया? और ऊपर जो चार्ज है ये माइनस थ्री है। ठीक हो गया भाई। भाई पहचानो, मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो बाहर से डब्बा दिख रहा है, ये वाला डब्बा, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक हो गया। ये जो आयरन है, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, सी एम ए, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं भाई। ठीक हो गया। यहाँ पे सी एन क्या है, सी एन एज अ लिगेंड है जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। सिक्स क्या है, मतलब सिक्स नंबर ऑफ सी एन है, मतलब छह सी एन यहाँ पे काम कर रहे हैं। समझ आया भाई। और ये थ्री क्या है, जो थ्री है यहाँ पे वो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है भाई, चार्ज है। तो देखो कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनेगा, देखो भाई किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये है सेंट्रल मेटल एटम Fe। ठीक हो गया। कितने सी एन है, छह सी एन है, तो इस तरह से छह सी एन इसके साथ जोड़ दो। और ये सी एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऐड हुआ है इस तरह से, कार्बन पे लोन पेयर होंगे और ये डोनेट कर रहा है इस तरह से। समाया ये वाला। ठीक हो गया भाई। और याद रखना इसके ऊपर जो चार्ज माइनस थ्री है। समाया तो इस तरह से मैंने आपको समझाया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। समाया भाई। अब मैं बताऊंगा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसका रीजन क्या है भाई। समाया तो देखो भाई, जो क्वेश्चन अराइज हुआ है, क्वेश्चन समाया भाई, वो क्वेश्चन क्या है भाई, वो क्वेश्चन है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इस कॉम्प्लेक्स को मैंने बोला है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। समझा भाई। पेपर में एग्जामिनर घुमा फिरा के भी देगा, इसलिए मुझे हर टर्मिनोलॉजी जो है वो याद होनी चाहिए कि इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक हो गया भाई। तो देखो याद रखना जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं उसका जो मोस्टली डी शेल होता है वो क्या होता है, खाली होता है। समाया यानी कि उनके पास क्या होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। समाया भाई याद रखना अगर कोई पूछ दे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, इसका राज क्या है, तो इसका राज है एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। समाया जिसमें वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, लेगा, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा भाई। ठीक हो गया। तो इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। सो दैट समाया दीज ऑर्बिटल्स कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समाया डोनेटेड बाय लिगेंड। ठीक हो गया भाई। इसका मतलब मैंने क्या बोला, मेटल है, मेटल के पास क्या होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। समाया और लिगेंड क्या करता है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसको वो क्या करता है, डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। समाया और क्या बनाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ठीक हो गया भाई। देखो कुछ एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, जैसे FeCN का होल सिक्स बोला था, चार्ज क्या था, माइनस थ्री। एक और देखो COCl का होल फोर, ठीक हो गया, माइनस टू। और
जैसे जेड एन एन एस थ्री का होल फोर और प्लस टू, ठीक हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। उसका रीजन क्या बताया भाई, उसका रीजन बताया कि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करते हैं। समाया जो लिगेंड क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक हो गया भाई। एक दूसरा रीजन और हो सकता है, एक दूसरा रीजन और हो सकता है। समाया क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बता रहा हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। समाया इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा होता है। समाया क्या बोलूंगा, हाइयर, हाइयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है, हाइयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समाया इनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से क्या होगा, पहले तो ये बताओ मुझे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है भाई, मतलब क्या है। इसका मतलब है चार्ज बाय साइज, चार्ज बाय साइज। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई भाई, चार्ज बाय साइज का मतलब क्या है, याद रखना जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उन पे चार्ज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा चार्ज होता है, और जिसके कारण उनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। जो चार्ज बाय साइज का रेशियो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। समय जिसके कारण मैं बोल सकता हूं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा होता है भाई, ठीक हो गया, बहुत ज्यादा होता है। देखो देखो, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है, देखो भाई ये मेरे पास CMA है, सेंट्रल मेटल एटॉम, ठीक हो गया। इसके पास डी ऑर्बिटल है और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है। तो याद रखना वो उतनी ही तेजी से लिगेंड को अपने पास खींचेगा, और जब लिगेंड को उतनी ही जल्दी अपने पास खींचेगा तो याद रखना बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर जाएगा, ठीक हो गया। तो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट रीजन बताया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरह से फॉर्म करते हैं भाई, ठीक हो गया। पहला था उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें वो लिगेंड के द्वारा डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। दूसरा रीजन क्या है, हाइयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उनका चार्ज बाय साइज रेशियो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वो लिगेंड को बहुत तेजी से अपनी तरफ को खींचते हैं समाया, और क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने आपको बोला कि डी ब्लॉक के एलिमेंट किस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। देखो भाई इस भ्रम में मत रहना कि एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। एग्जाम्पल आपको बता दिया भाई, ठीक हो गया। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह से डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। अपने पुराने मोटिव को लेकर के मैंने बोला ना कि कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई, ठीक हो गया। तो देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो भाई हर बार की तरह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ रखा हूँ भाई, और बहुत इजी भी है। समाया याद रखना ये जेई के क्वेश्चन है दोनों के दोनों, एक 2000 में आया हुआ है और एक 2004 में आया हुआ है, ठीक हो गया। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अमंगस्ट द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्पीसीज विद एन एटम इन प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। समाया मुझे इन सारों में से ए बी सी डी इन सब में से बताना है कि कौन प्लस सिक्स में है। समाया पहला क्या है, पहला है MnO4-। समाया भाई ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है एक टाइप का, ठीक हो गया। तो देखो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है X, जो ऑक्सीजन है उसका होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 4, इज इक्वल्स टू कितना चार्ज है -1 चार्ज है। तो X -8 इज इक्वल्स टू -1, इट इम्प्लाइज दैट X इज इक्वल्स टू कितना आया +7। समाया भाई तो यानी कि जो पहला कॉम्प्लेक्स है उसमें Mn +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स बताओ CrCn का होल 6, ठीक हो गया, और -3। याद रखना ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये भी है, सेंट्रल मेटल एटॉम का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आ गया X प्लस Cn हो गया -1 इंटू कितना आया 6 इज इक्वल्स टू -3, इट इम्प्लाइज दैट X इज इक्वल्स टू कितना आ गया +3 आ गया भाई, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगला कॉम्प्लेक्स देखो भाई क्या है, NiF6
माइनस टू समय भाई। अगला कॉम्प्लेक्स ये है, बताओ बताओ किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, निकिल का एक्स प्लस एफ ई कितना है माइनस वन इंटू सिक्स इज इक्वल टू कितना है माइनस टू, यानी कि एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस टू विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर समय भाई। तो निकिल यहाँ पे प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है समय भाई। और एक लास्ट बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है सी आर ओ टू सी एल टू, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है क्रोमियम का। लेट अस कंसीडर कि ऑक्सीडेशन स्टेट x है प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस टू इंटू टू प्लस क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का कितना है माइनस वन होता है, कितने हैं दो है तो इंटू टू इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है जीरो समाया। तो यहां पर से बताओ भाई माइनस फोर ये हो गया माइनस टू ये हो गया तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स समाया भाई। तो कौन सा कंपाउंड बैठा, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बैठा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस सिक्स है, यही तो पूछ रखा था। तो कौन सा वाला बैठा, जो डी वाला ऑप्शन है वो एग्जैक्टली ठीक है भाई, ठीक हो गया। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं जो 2004 में आ रखा है, ठीक हो गया। इसने कुछ पेयर ऑफ कंपाउंड्स दे रखे हैं समाया, जिसमें कुछ मेटल्स हैं और हमें बताना है कि कौन सा पेयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं भाई समाया। तो देखो देखो भाई, पहला पेयर है MnO2 और FeCl3, ठीक हो गया। निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn को x कंसीडर कर दिया, ऑक्सीजन का माइनस टू होता है और कितने हैं टू इज इक्वल टू कितना आ गया जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना आया प्लस फोर, ठीक हो गया। सिमिलरली FeCl3 में निकालो भाई, Fe को क्या करो x कंसीडर प्लस Cl का माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आया प्लस थ्री। अगला देखो भाई, अगला पेयर क्या है, अगला पेयर है MnO4- ठीक हो गया ये वाला, और दूसरा क्या है CrO2Cl2, अभी निकाला है इसका x प्लस ऑक्सीजन का माइनस टू इंटू फोर इज इक्वल टू माइनस वन, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस सेवन, ठीक हो गया। यहां से अभी निकाला हुआ है क्या x प्लस माइनस टू इंटू टू प्लस Cl का माइनस वन कितने हैं दो इज इक्वल टू जीरो कोई चार्ज नहीं है तो x इज इक्वल टू प्लस सिक्स, ठीक हो गया ये हुआ। अगला पेयर देखो भाई, अगला पेयर है FeCn का होल सिक्स, ठीक हो गया माइनस थ्री, और COCn का होल थ्री, Cn का होल थ्री होल थ्री समय भाई। एक्चुअल में ये जो कंपाउंड होना चाहिए, मुझे नहीं पता कि इसने ऐसे क्यों दिया, लेकिन ये होना चाहिए था COCn का होल सिक्स और माइनस थ्री समय। लेकिन जो दिया है उसके बिहाव पे भी मैं बता दूंगा भाई समय। देखो Fe जो है उसको x कंसीडर करो, Cn जो होता है माइनस वन इंटू सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो देखो भाई x माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री और x इज इक्वल टू कितना हुआ प्लस थ्री हो गया भाई, ठीक हो गया। अगला देखो यहाँ पे CO का निकालना है तो इसको x कंसीडर करो प्लस Cn का कितना होता है माइनस वन इंटू थ्री कोई चार्ज नहीं दिया है जीरो, तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री, यहाँ पे भी भाई समाया। यहाँ पे भी निकालोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा प्लस थ्री ही आएगा समाया। वैसे वैसे अगर मैं बोलूँ तो याद रखना ये कंपाउंड लिखना गलत है, एग्जैक्टली इसे इस तरह से लिखना चाहिए था समाया, लेकिन उसकी मर्जी भाई समाया, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जो अगला पेयर है वो है एन आई सी एल फोर माइनस टू, तो एन आई का निकालना है उसे x कंसीडर कर दो, सी एल का माइनस वन होता है इंटू फोर माइनस टू समाया। इससे क्या पता चल रहा है x माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना है प्लस टू, ठीक हो गया। सिमिलरली COCl का होल फोर माइनस वन समाया, अब तो तुम लोग एक्सपर्ट बन गए हो भाई, अपने आप कर सकते हो, इसको x कंसीडर कर दिया, Cl का कितना होता है माइनस वन इंटू कितना होता है फोर इज इक्वल टू चार्ज कितना है माइनस वन, x इज इक्वल टू कितना हो गया
प्लस थ्री समाया भाई। तो बताओ भाई, ये तो बच्चा भी बता देगा, अरे गधो सब निकाल दिया है, अब तो बता दो भाई कौन सा आंसर है, आंसर कौन सा है। देखो पहले वाले का जो पेयर है वो प्लस फोर प्लस थ्री वाला है, ठीक हो गया। दूसरा जो पेयर है उसमें प्लस सेवन और प्लस सिक्स आया, समाया। तीसरा जो पेयर है उसमें प्लस थ्री और प्लस थ्री आया। चौथा जो पेयर है उसमें प्लस टू और प्लस थ्री आया। तो बताओ सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से पेयर दिखा रहे हैं भाई, समाया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करता है, फॉर्म करता है, समाया भाई। कैसे फॉर्म करते हैं और क्या रीजन है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं भाई, समाया, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया भाई, ठीक हो गया। अगर अगर और डिटेलिंग जाननी हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में तो मेरे कोऑर्डिनेशन की जो वीडियोस है उनको जाकर के देखो भाई एक बार, पूरी सीरीज आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, समाया भाई, बहुत मजा आ जाएगा उस सीरीज को पढ़ करके, ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।